फ्री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हों तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत एक दो लेक्चर आप लोगों को पहले भी मिल चुके हैं। तो आज हम वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स, कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को सम्मिलित करेंगे, जिसमें पूंजी पर्याप्तता अनुपात जैसा कि जो है व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ जो है टकसाल और कुछ दरों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे वित्तीय व्यवस्था के इस चैप्टर को पूरा किया जा सके और इससे आने वाले जो संबंधित जो है सवालों को भी हल करने में आपको हेल्प किया जा सके। तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिसे कैपिटल एडिक्वेट रेशियो भी कहा जाता है, कैपिटल एडिक्वेट रेशियो CAR, कैपिटल एडिक्विट रेशियो भी जो है कहा जाता है, जिसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात। बेसिकली यह एक ऐसा अनुपात है जो बैंक वित्तीय संस्थानों, यानी कि अलग कई प्रकार के वित्तीय संस्थान अर्थव्यवस्था में जो है कार्य कर रहे होते हैं, या इसी तरीके से NBFC होती है, जिससे पहले हम लोगों ने लेक्चर में जो है NBFC को भी जो है पढ़ा हुआ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है, ये सारे जो है संस्थाएँ हैं, इनके लिए एक मानक होता है जो कि इन्हें स्थायित्व प्रदान करने के लिए इनके द्वारा दिए गए ऋणों की वापसी के लिए एक निश्चित कोष की जो स्थापना पर बल देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर एक अनुपात की बात होती है, अनुपात हमेशा जो है दो के बीच में जो है मेंटेन होता है, दो के बीच में बनता है। तो एक तरफ जो है यह एक निश्चित कोष की जो है बात करता है, और दूसरी तरफ क्या होता है कि इनके द्वारा जो ऋण दिए गए हैं, इनके द्वारा जो ऋण दिए गए हैं, इनके बीच में जो है एक अनुपात को मेंटेन करने की बात करता है। क्योंकि आप लोगों ने न्यूज में भी और पूर्व के इतिहास में भी कई बार दिवालिया शब्दों का नाम जो सुना होगा, क्योंकि यह एक संतुलित आर्थिक गतिविधियों को ना अपनाने के कारण से जो है बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों तथा NBFC या इस तरीके से जो है जो भी संस्थान काम कर रहे हैं उनके समक्ष एक समस्या उत्पन्न होती है, वो दिवालिया भी हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति होती है कि बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऋण देना और कम दरों पर जो है दे देना, जिससे कि अपनी आर्थिक गतिविधि को बढ़ाया जा सके, लेकिन जब जो है एक निश्चित समय के बाद मांग बढ़ती है, जैसे ऋण दे दिया गया लेकिन वो ऋण के पीछे जो पूंजी है वह पूंजी कहीं ना कहीं किसी अन्य स्रोत से जो है प्राप्त होती है, और जब उन स्रोतों से जो है मांग बढ़ जाती है और ऋण की वापसी नहीं हो पाती है, तो वह बैंक टूटने लगता है। इन सभी इतिहास के और समकालीन समय में वित्तीय जो संस्थान है उनके समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए बाद में एक व्यवस्था आई, जिसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहा जाता है। और इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि जो भी जो संस्थान ऋण दे रहे हैं उस ऋण के पीछे एक सुरक्षित कोष रखें, ताकि उनके समक्ष आने वाले जो है इन ऋणों की मांग को जो है पूरा किया जा सके और उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के आर्थिक संकट से निकला जा सके। तो इस तरीके से पूंजी पर्याप्तता अनुपात एक ऐसे अनुपात की बात करता है जो दिए गए ऋण और बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के समक्ष रखे गए एक निश्चित कोष के बीच में जो बनता है, और इस अनुपात को ही जो है पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कि कैपिटल एडिक्वेट रेशियो के नाम से जो है जाना जाता है। इसे निकालने का भी एक सूत्र जो भी बनाया गया है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कि CAR ये बराबर हो जाता है कुल पूंजी बटे जोखिम भारित संपत्तियां। into 100। अब ये जो है ये है CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेट रेशियो को निकालने का सूत्र है। वैसे भी GS तथा सामान्य अवधारणाओं के संदर्भ में इन सूत्रों का बहुत मतलब नहीं होता, लेकिन इस तरीके के सूत्र धीरे धीरे जो है पढ़ने से एक कॉन्सेप्ट बनता है, और आने वाले समय में अगर इसी तरीके के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सूत्र को याद करना होगा तो उससे एक जो है उसमें समानताओं के आधार पर याद करने में उसको आसानी होगी। तो
तो कुल पूंजी बटे जोखिम भारित संपत्तियां, यानी कि ऐसे ऋण जो दिए गए हैं, जोखिम का मतलब रिस्क से होता है कि उसके वापस होने में, जो ऋण दिया गया है उसके वापस होने की जो संभावनाएं अगर कम होती हैं या नहीं होती हैं, तो जोखिम में जो है वो संपत्तियां जो है आती हैं, रिस्क के अंतर्गत उसी को सम्मिलित किया जाता है, और कुल पूंजी से उसके अनुपात को जो है 100 से गुणा करके जो है इसके जोखिम भारित संपत्तियों के आधार पर जो है कैपिटल एडिक्वेट रेशियो को निकाला जाता है, यानी कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात। कहने का तात्पर्य सीधी सी बात यही है कि अगर कोई भी जो है बैंक है या कोई भी वित्तीय संस्थान है, वो अगर लोन दे रहा है किसी भी व्यक्ति को, तो निश्चित तौर पर जो है लोन की वापसी अगर नहीं हो पाती है समय से, और वह लोन जिस भी स्रोत से जो है प्राप्त किए गए पूंजी को दिया गया है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जो है अगर संस्थान है, इसे विभिन्न स्रोतों से जो है पूंजी इसके पास वित्त आ रहा है, और यहां से वह जो है ऋण जो है दे रहा है, तो इसको दिया गया ऋण जो है वह विभिन्न स्रोतों से जो है प्राप्त किए गए जो है वित्त या पूंजी के माध्यम से दिया जाता है। लेकिन यदि इसकी ऋण की वापसी नहीं हो पाती है, और इन जो है स्रोतों से जहां से वित्त प्राप्त हुआ था, पूंजी प्राप्त हुई थी, अगर वहां से जो है मांग बढ़ जाती है, तो उस मांग को पूरा करने के लिए जो है उसके पास एक निश्चित जो है कोष होना चाहिए, इस कोष को ही जो है पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के जो है इन बैंक वित्तीय संस्थानों के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए इस तरीके के जो है एक कोष होने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिससे वित्तीय और बैंक तथा अन्य संस्थान जो इस प्रकार के आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित हैं, उनके स्थायित्व को बनाया जा सके, उनको संरक्षित किया जा सके। इन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पूंजी पर्याप्तता अनुपात का एक कॉन्सेप्ट जो उभर करके सामने जो है आता है। एक इसमें जो है समिति आई है, वार्षिक समिति। अब चूंकि हम पूंजी पर्याप्तता अनुपात का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि उससे संबंधित जो भी समितियां हैं या जो भी कभी कोई घटनाएं घटी हैं पूर्व में, उन सभी समितियों, घटनाओं इत्यादि को भी जो है जानते रहें, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट को जो है व्यापकता जो है मिलती है। तो जब वार्षिक समिति का नाम आता है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि 1988 में जो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा, BIS के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा वार्षिक समिति का अध्ययन समिति का गठन किया गया था। यह समिति ने विभिन्न प्रकार के बैंक वित्तीय संस्थान या NBFC के द्वारा दिए गए ऋण की वापसी की स्थिति का अध्ययन किया, यानी कि इन संस्थानों के द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं, बेसिकली उन ऋणों की वापसी का जो है अध्ययन किया कि वह कितना वापस हो सकते हैं, कितना नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, इन सभी जो है स्थितियों का अध्ययन किया, और ये बताया कि किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट से निपटने के लिए इन संस्थानों के पास एक निश्चित जो है कोष जो है होना चाहिए, और इसे ही पूंजी पर्याप्तता अनुपात या पूंजी का जोखिम भारित संपत्तियों के साथ अनुपात कहा गया, CRAR कहा गया है, इसे CRAR कहा गया है, कैपिटल रिस्क एडिक्वेट रेशियो। कैपिटल रिस्क एडिक्वेट रेशियो यानी कि पूंजी का जोखिम भारित संपत्तियों के साथ अनुपात जो है कहा गया। तो कुल मिलाकर के इस पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संदर्भ में वार्षिक समिति इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि यहाँ पर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा इस समिति का गठन किया गया, जिसने जो है पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संदर्भ में यह बताया कि बैंक और वित्तीय संस्थानों के द्वारा जो ऋण दिए जा रहे हैं, उस ऋण के जो है अगेंस्ट अगर कोई आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उससे निपटने के लिए एक कोष होना चाहिए, ताकि जो है बैंकों के स्थायित्व को या विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थानों के स्थायित्व को बनाए रखना संभव हो सके। तो ये चीज़ें हैं वार्षिक समिति जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात से संबंधित है, यानी कि अगर हम फैक्ट्स की अगर बात करें तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात से संबंधित है। 88 में इस समिति बनाई गई, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा बनाया गया,
इसने जो है संस्थानों के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए एक निश्चित कोष की बात किया ताकि आर्थिक संकट से जो है बचाया जाना संभव हो सके। तो ये जो है कहलाती है वास्ले समिति। इसने बताया कि पूंजी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक जो है टीयर वन पूंजी और दूसरा है टीयर टू पूंजी। तो इसमें जो है वैधानिक कोष, प्रदत्त पूंजी और घोषित निधियां सम्मिलित होती हैं, ये टीयर वन पूंजी कहलाती है। और टीयर टू पूंजी के अंतर्गत जो है घोषित न की गई जो है परिसंपत्तियां और विपणन योग्य जो है प्रतिभूतियों को जो सम्मिलित किया जाता है। और पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संदर्भ में वास्ले समिति के जो रिकमेंडेशन थी वो बताया कि हमेशा जो टीयर टू पूंजी है वो टीयर वन पूंजी के जो है 100% से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि 100% का मतलब उतने के ही बराबर की बात वो कर रहा है कि मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100% से जो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वास्ले समिति ने कुल मिलाकर के अगर फैक्ट्स के साथ जो इस कॉन्सेप्ट को जोड़ा जाए तो टीयर वन और टीयर टू पूंजी का कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि टीयर टू पूंजी टीयर वन पूंजी से अधिक नहीं होना चाहिए। तब उस स्थिति में जो है और बैंक और वित्तीय संस्थान अपने स्थायित्व को बनाए रखने में सफल होंगे। तो कुल मिलाकर के जब हम कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती हैं, कुछ समितियां होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जो विशिष्ट होती हैं किंतु परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती है, या आपको टिप्पणी लिखने में या मुख्य परीक्षा में जो भी बड़े आंसर हैं उसको लिखने में जो है आपका मदद करती हैं और आपके उत्तर को प्रभावी बना करके अच्छे मार्क्स दिलाने में आपका सहयोग करती हैं। तो उन्हीं कुछ जो है अवधारणाओं के साथ ही जो है इसे आपको देखना है और इसके माध्यम से जो है अपने इकोनॉमी को जो है तैयार करना है। तो ये था जो है वास्ले समिति जो कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात से जो संबंधित है, एक बेसल मानक। अब इसी से संबंधित हम जो है इसको भी देख लेते हैं, बेसल जो है ये एक स्विट्जरलैंड का एक स्थान है, शहर है बेसल। चूंकि यहाँ पर इसी शहर में जो है बैंक और वित्तीय संस्थानों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिए एक मानक जो है बनाया गया और उस मानक को ही जो है बेसल मानक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो शहर था बेसल जहाँ पर ये मानक बनाया गया, इसीलिए उसे जो बेसल मानक कहा जाता है। क्योंकि यह मानक भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि बैंकों में स्टेबिलिटी या वित्तीय संस्थानों में स्टेबिलिटी के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत हैं, कुछ कोष हैं जिसे बनाए रखना आवश्यक है। इसीलिए हम बेसल मानक को भी कहीं ना कहीं जो है पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ जोड़ करके चलते हैं या उससे संबंधित अवधारणा के रूप में इसे समझते हैं। तो बेसल मानक भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो पूंजी पर्याप्तता अनुपात से जो संबंधित है और इसमें जो है दो मानक आए हुए हैं, एक जो है 1980 में और दूसरा 2004 ईस्वी में, दो मानक इससे संबंधित। यानी कि वास्ले समिति जो जहां दो टीयर की बात करता है वहीं पर बेसल मानक जो है वो दो मानकों की बात करता है, 1980 और 2004 ईस्वी में जो इसे बनाया गया। तो ये था जो है बेसल मानक। तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात एक तो एक परिभाषा और अवधारणा हो गई जिससे संबंधित वास्ले समिति और बेसल मानक जो है आता है। अब इसमें हम कुछ दरें पढ़ेंगे, एक होता है संदर्भ दरें, संदर्भ दरें, और दूसरा है जो है संदर्भ दर से रेफरेंस रेट के नाम से जो है जाना जाता है, रेफरेंस रेट। दूसरा है जो है पीएलआर यानी कि प्राइम लेंडिंग रेट, प्रधान उधारी दर, इसे प्रधान उधारी दर के नाम से जाना जाता है, जिसे पीएलआर यानी कि प्राइम लेंडिंग रेट, प्रधान उधारी दर कहा जाता है। और अगला है जो है आधार दर, आधार दर ये व्यवस्था 2010 ईस्वी में जो है आई थी। अब संदर्भ दरें जो है वित्तीय जो व्यवस्था के अंतर्गत जो है पूंजी बाजार से जो है उधार लेने के लिए जिस दरें जो है प्रचलित होती हैं उसे रेफरेंस रेट के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः बाजार में प्रचलित दरें जो है इन दरों से जो है ऊंची होती हैं और संदर्भ दरें अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। यह वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत जो पूंजी बाजार से इन सब जो वाक्यांश हैं, ये जो सब शब्द हैं वो जो है
बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आपको समझना होगा और समय के अनुसार जो है जरूरत के अनुसार उसका प्रयोग करना होगा, जिससे आपका जो उत्तर लेखन जो है अत्यंत जो है प्रभावी होती है। तो रेफरेंस रेट जो है वो बेसिकली वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है पूंजी बाजार से उधार लेने से संबंधित एक दर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस रेट कहते हैं। अलग अलग देशों में जो है इसके नाम अलग अलग जो है रखे गए हैं। ये नाम है लिबोर है, टिबोर है, फिबोर है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, इसी तरीके से टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट और फ्रैंकफर्ट इंटरबैंक ऑफर रेट है। ये सारे जो है वो रेफरेंस रेट से जो है संबंधित हैं, संदर्भ दर इन्हें जो है कहा जाता है। दूसरा है प्रधान उधारी दर। प्रधान उधारी दर क्या है? प्राइम लेंडिंग रेट, यानी कि बैंक जो है वह दर है, प्रधान उधारी दर वह दर है जिसपे बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है। अब इंपॉर्टेंट चीज यही पर यही है कि सबसे विश्वसनीय जो है ग्राहक कौन सा होगा, ऐसा जो है ग्राहक होगा जो ऋण की जो है वापसी कर देता है समय से, और उसमें जो बैंक को जो प्रतिफल मिलने होते हैं वो भी मिल जाते हैं, यानी कि बैंक के द्वारा समस्त लागत और किए गए व्यय के साथ साथ उसमें प्रतिफल भी बैंक को मिल जाता है। तो वो जो है दर प्रधान उधारी दर होता है और जिस ग्राहक को दिया गया है वो सबसे विश्वसनीय ग्राहक होता है। इसमें जोखिम की जो है स्थिति शून्य होती है, जोखिम इसमें जो है नहीं होता है, इसीलिए उसे जो है सबसे विश्वसनीय ग्राहक कहा जाता है। और जिस दर पर दिया जाता है वह प्राइम लेंडिंग रेट यानी कि PLR के नाम से, प्रधान उधारी दर के नाम से जाना जाता है। अगला कांसेप्ट आता है आपका आधार दर। आधार दर जो है ये 2010 व्यवस्था में जो है लागू की गई, यह वह दर होती है जिससे कम दरों पर जो है बैंक किसी भी जो है ग्राहक को ऋण नहीं दे सकता है। तो यह आधार दर होता है। आधार का मतलब ये ऐसे लगता है कि विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी के बीच में आधार है, यानी कि वो सबसे नीचे की व्यवस्था। अब इससे जो है ऊपर ही जो है कि दरों पर लोन दिए जाएंगे, उससे नीचे की दरों पर लोन जो है देने की कोई व्यवस्था जो है नहीं रहेगी, इसलिए इसको जो है आधार दर कहा जाता है। और यह दर जो है PLR से जिस रूप में अंतर रखता है कि यह आधार दर जो है यह लागत आधारित उधार दर प्रणाली है, जबकि प्रधान उधारी दर में जब ब्याज बढ़ जाता था तो उसमें लोन के जो है महंगे हो जाते थे, लेकिन जब दर घटता था तब वहां पर लोन की दरें जो है घटती नहीं थी, इसलिए PLR के स्थान पर इसको जो क्या किया गया, आधार दर, यानी कि वह दर जिससे नीचे की जो दरों पर बैंक कभी भी ऋण नहीं देता है, जबकि इसमें जो है सबसे विश्वसनीय ग्राहक को ऋण दिए जाते हैं। तो ये थी कुछ संदर्भ दरें PLR और आधार दर से संबंधित जो अवधारणाएं, जिसे उम्मीद करते हैं कि आपको जो समझ में आई होंगी। एक अगला चीज इसी में हम और देख लेते हैं, टकसाल। टकसाल क्या होता है, एक अलग टाइप का नाम है, मध्यकाल में भी जो है इस शब्द को जो है प्रयोग में लाया जाता था। टकसाल, टकसाल आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ एक ऐसा स्थान है जहां पर जो है विभिन्न प्रकार के तमगों को, मुद्राओं को जो है बनाया जाता है, तमगे और मुद्राएं जो का उत्पादन किया जाता है, और यहां पर सोने चांदी के जो है तमगों का परीक्षण किया जाता है, वह स्थान कहलाता है टकसाल। भारत में जो है चार महत्वपूर्ण जो है टकसाल है, यानी कि एक कोलकाता है, और दूसरा जो है मुंबई है, और हैदराबाद है, और अगला जो है नोएडा है। यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं, और कभी कभी इसमें ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से कहाँ पे जो है टकसाल नहीं स्थापित होती, ये चीजें जानकारी में होना आवश्यक है। कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा, इन जगहों पर जो है टकसाल स्थापित जो है किए गए हैं। तो ये टकसाल का काम होता है कि यहाँ से जो है मोहरे और तंगों का जो है उत्पादन किया जाता है, सोने चांदी के जो है धातुओं का या मोहरों का जो परीक्षण किया जाता है। तो जो सिक्के होते हैं या मोहर होते हैं या तमगे होते हैं, सिक्कों को बनाने का काम जो है मुख्य रूप से वो टकसालों में जो है किया जाता है। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया कि टकसाल जो है यहाँ पर है। और नोट जहाँ पर बनाए जाते हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे, तो उसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें बहुत ही कम अंतर से जो है अलग अलग जो स्थानों पर हमारे केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसे तो बहुत ही सावधानी से याद करना पड़ता है, अन्यथा जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस पे आपके दृष्टिकोण जो है आकृष्ट करना चाहूँगा।
कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो जो है चीजें समझ में आएंगी। जैसे इंडियन, इंडियन इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी प्रेस नोट, करेंसी प्रेस नोट और बैंक प्रेस नोट, करेंसी प्रेस नोट और बैंक प्रेस नोट, ये है। अब इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है ये नासिक में है, इसी तरीके से सिक्योरिटी प्रिंटिंग जो है प्रेस ये हैदराबाद में है, हैदराबाद। करेंसी प्रेस नोट पुनः नासिक में है और जो है बैंक प्रेस नोट जो है वो देवास में है। अब इसमें बहुत ही शब्दों को जो है चक्रीय क्रम में आगे पीछे किया गया है या कुछ शब्दों को थोड़ा सा चेंज किया गया है जिससे ये अवधारणाएं निकल के सामने आ रही हैं। तो बैंक प्रेस नोट जो है वो देवास में है, करेंसी प्रेस नोट जो है नासिक में है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है नासिक में है। तो ये दोनों जो है नासिक में है, आप इसको भी एक साथ करके भी याद कर सकते हैं। अब आप के याद करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कुछ चीजें होती है जैसे हमें फैक्ट के रूप में भी याद करना होता है, जैसे प्री के एग्जाम है वहां पे हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है वो तथ्यों को भी जो है याद रखना आवश्यक होता है। या ये कहा जाए कि जब मुख्य परीक्षा हम लोग लिखते हैं तो अनुकूलतम स्थिति में ऐसा कहीं कहीं लगता है कि जरूरत है वहां पे तथ्यों को भी डालना आवश्यक होता है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, कुछ महत्वपूर्ण ईयर है जिससे बहुत कुछ बदलाव हुआ है, तो ऐसे जो है ईयर को भी अगर आप मेंस की राइटिंग में भी डालते हैं तो इससे उत्तर प्रभावी होता है, उससे कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ता, अच्छे ही प्रभाव पड़ते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, बस इतना का ही अंतर है सिक्योरिटी। अब इसमें आप कह सकते हैं कि इंडियन, अब जैसे नासिक हैदराबाद ये तो क्लियर है, तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस और सिक्योरिटी, तो इंडियन छोटा शब्द है तो नासिक भी छोटा शब्द है, सिक्योरिटी जो बड़ा शब्द है तो हैदराबाद भी बड़ा शब्द है, तो ये रूप में आप ले सकते हैं। जो कि करेंसी प्रेस नोट, नोट से संबंधित दो है नासिक और देवास में, तो आप इसमें बैंक में है, देखिए ऊपर जो है ये मात्रा लगा हुआ है, तो ये मात्रा यहाँ पे भी ये मात्र से मिलता है, यहाँ में भी मात्रा नहीं, यहाँ पे भी ऊपर मात्रा नहीं, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें हैं जिसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप मिलान करते हैं, चीज़ों को घटनाओं से जोड़ते हैं, चीज़ों में समरूपता एकरूपता के आधार पर याद करते हैं, तो इससे जो है कॉन्सेप्ट या फैक्ट्स को याद करने में आसानी होती है। तो ये चीज़ें रही, और एक सिक्योरिटी पेपर मिल भी बनाया गया है, सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल, ये कहां पर है, होशंगाबाद, होशंगाबाद। अब देखिए इसके साथ याद करने के साथ साथ आपको चीजें कई बार ये भी पूछता है कि यह स्थान किस रूप में प्रसिद्ध है। देखिए जब आप जीएस या सामान्य अध्ययन की तैयारी करते हैं तो जीएस और सामान्य अध्ययन की तैयारी में एक दिन में आपके सारे कॉन्सेप्ट और सब कुछ नहीं तैयार हो सकता, केवल किताबें पढ़ने से सब कुछ नहीं तैयार हो सकता, आपके जीएस का जो आधार है न्यूज़पेपर भी है, मैगजीन भी है, बुलेटिन भी है, कुछ महत्वपूर्ण केसेस भी हैं, और इस तरीके से कई अन्य विषय हैं जो इंटर कनेक्टेड अंतर संबंधित होते हैं, जिनका अध्ययन आप अगर धीरे धीरे करते हैं तो धीरे धीरे जीएस का जो है विस्तार होता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कई बार कुछ लोगों के जीएस में अच्छे मार्क्स बनते हैं, ये सवाल आता है कि यार ये तो किसी विषय से संबंधित नहीं है, फिर भी वो सवाल हल हो जाते हैं। तो हल होने के पीछे यही लॉजिक होता है, उन्होंने काफ़ी लंबे समय से अपने दृष्टिकोण को व्यापक रखते हुए इस स्टडी मटेरियल से संबंधित कई अन्य पक्षों और पहलुओं का भी अध्ययन किया हुआ है। तो इससे जैसे अब होशंगाबाद आपके दिमाग में होशंगाबाद आता है, तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, देवास भी मध्य प्रदेश में है। अब देवास में बैंक प्रश्नोत्तर जैसे यहाँ पे देखिए मात्रा था, तो आपको दिमाग लगाना होगा कि देवास यानी कि बैंक प्रश्नोत्तर, तब ऑटोमेटिक बैंक से संबंधित केवल यही एक ऐसा है जहाँ पे बैंक प्रयोग है, तो आपका ये जो है उत्तर सही हो जाएगा।
तो कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसको आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके याद करने में जो है कम समय लगता है या आसानी से याद हो जाता है। इंडियन प्रेस नोट और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी प्रेस नोट और बैंक प्रेस नोट देवास में है, होशंगाबाद, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। तो पेपर मिल की जब बात किया जाएगा तो होशंगाबाद आएगा, और जो है बैंक प्रेस नोट की बात की जाएगी तो देवास मध्य प्रदेश में ही है, नासिक आपके जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ये वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है अंतिम क्लोजिंग जो है चैप्टर आज का था, जिसके अंतर्गत हम लोग ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कुछ विभिन्न प्रकार के जो है दरें और टकसाल से संबंधित अवधारणाओं को जो है और फैक्ट्स द फिगर्स को भी समझने का जो है कार्य किया। उम्मीद करता हूं कि आपके पिछले लेक्चर के साथ इस लेक्चर को जोड़ करके वित्तीय व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपको मदद मिलेगी, जिससे परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को हल आप कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, उसके साथ साथ जो है आप इकोनॉमी के इन सभी कॉन्सेप्ट को भी जो है पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में पुनः हम इकोनॉमी के अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।